بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز ساتھیو، پیارے دوستو، قریش کی شدید مخالفت اور مکہ کے لوگوں کے زیادہ ورود کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا مرکز جو ہے एक घर को बनाया जिसमें सहाबा किराम जमा होते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सिखाते थे, उन्हें उनका तज़किया, उनके सफाई कर फरमाते थे और उनके कल्ब को, दिल को जो है मुनव्वर करते थे. वो घर था अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, जो कि पहाड़ के ऊपर दूर मौक़े था. तो वहीं पे उनको जो है सहाबा किराम जमा होते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान की आयत वगैरह सिखाते वगैरह थे. फिर जो है सहाबा किराम को कुफार मौका महल से फिर भी सताते या तकलीफ देते ही रहे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का छोड़ देने का हुक्म दिया और उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, जिसको हम आगे किताब से पेश करते हैं. फरमाते हैं दूसरा के हिजरत हबशा दूसरा कदम ये था कि आपने ये अच्छी तरह मालूम कर लेने के बाद कि हबशा का बादशाह नजाशी एक इंसाफ पसंद राज हुक्मरा है और उसके पास किसी पे जुल्म नहीं होता, मुसलमानों को हिदायत की कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाए, हबशा जो है हबश मुल्क में चले जाए. इस हिदायत के मुताबिक रजब सन 5 नबूवत में मुसलमानों के पहले काफिला ने हिजरत की. उसमें 12 मर्द, 4 औरतें और उनके सरदार हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु थे. नीज उनके साथ उनकी बीवी हज़रत रुकैया भी थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी. हज़रत इब्राहिम हज़रत लूत के बाद पहला घराना था जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की थी. ये लोग रात के अंधेरे में चुपके चुपके निकले और जिद्दा के जुनूब में वाक़ शुएबा की बंदरगाह का रुख किया. किस्मत की बात है कि वहाँ 2 तजारती जहाज मौजूद थे. ये लोग उन पर सवार होकर हबशा पहुँच गए. उधर कुरैश को उनके भागने का पता लगा तो गैज़ व गज़ब से फट पड़े. फौरन आदमी दौड़ाए कि उन्हें मक्का पकड़कर बुला ले आओ और खूब सजा दी जाए, यहाँ तक कि वो अल्लाह का दीन छोड़ दें. लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही मुसलमान समुंदर में दूर जा चुके थे, लिहाजा ये लोग साहिल तक जाकर नामुराद वापस आ गए. यानी ये लोग वापस आ गए क्योंकि ये लोग निकल चुके थे. फरमाते हैं उस हिजरत के कोई 2 महीना बाद यानी रमज़ान 5 नबूवत में एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाए. उस वक्त काबा के आसपास कुरैश के बहुत सारे लोग जमा थे, उनमें उनके सरदार और बड़े बड़े लोग भी थे. और सूरह नजम अभी ताज़ा बताज़ा उतरी थी. सूरह नजम अन नजम व नजम इज़ा हवा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान अचानक खड़े होकर उनकी तिलावत शुरू कर दी, उसकी सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी. ऐसा नफीस कलाम उन्होंने कभी नहीं सुना था. अब जो अचानक कानों से टकराया तो उन्हें बेखुद कर गया, वो दम बखुद रह गए, सुनते के सुनते रह गए, खामोश और मबहूत होकर रह गए. रोकने का याराना ना टोकने का होश, यानी रोकने की हिम्मत नहीं थी ना टोक सकते थे. बल्कि सूरह के आखिर में जब डांट डपट वाली आयतें आई तो लोगों पर कपकपी तारी हो गई, होश उड़ते महसूस हुए. और जैसे ही आपने ये पढ़कर सजदा किया فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, یہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جس کا ترجمہ ہے اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو, تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے, سب کے سب سجدے میں چلے گئے. کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارانہ نہ رہا, یعنی کوئی بھی اللہ کے حکم کے آگے جو ہے اللہ کے حکم کا ورودھ نہیں کر سکے, اور کفار بھی سجدے میں چلے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम पढ़ी फिर सजदा किया तो कौम का कोई फ़र्द न बचा जिसने सजदा न किया हो। एक आदमी ने एक मुट्ठी कंकरी या मिट्टी ली आ उसे अपने चेहरे के ऊपर तक ले गया और कहा मेरे लिए यही काफ़ी है। बाद में मैंने देखा कि वो हालत कुफ्र में ही मारा गया। ये उमैया बिन खलब था जो बद्र के रोज़ मारा गया। अब जो है जो सहाबा हबशा हिजरत कर गए थे उनकी वापसी हो गई, वो लोग फिर मक्का वापस आ गए। फरमाते हैं इस वाक़े की खबर हबशा पहुंची, लेकिन ख़ास फ़र्क के साथ, यानी उन्हें मालूम हुआ कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं। चुनांचे वो खुशी मक्का पलटे, लेकिन जब मक्का से इतने करीब आ गए कि सिर्फ एक घड़ी का फासला बाकी रहा था तो हकीकत हाल का इल्म हुआ। उसके बाद कुछ लोग तो वहीं से हबशा पलट गए और कुछ लोग छुप छुपा कर या किसी की पनाह लेकर मक्का आए। यानी उन्होंने जो सजदा किया था तो बज़ाहिर ये बात फैल गई कि कुफार जो है मुस्लिम हो गए, मुसलमान हो गए। तो वो लोग बोले कि जब मुसलमान हो गए तो जो हिजरत किए थे वो वापस आ गए, लेकिन जब करीब पहुँचे मक्का के तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये मुस्लिम नहीं हुए, ये ईमान नहीं लाए हैं। तो वो लोग जो है कुछ तो वापस चले गए हिजरत करके दोबारा, और कुछ लोग जो है किसी को अमान में दाखिल होकर के फिर से मक्का में आ गए। उसके बाद दूसरी हिजरत हबशा। उसके बाद मुसलमानों पर कुरैश की सख्तियाँ और ज़्यादतियाँ और बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ उन्होंने बेखुदी में मुसलमानों के साथ जो सजदा कर दिया था उसका उन्हें पछतावा था, दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ निजाशी जो हुस्न सुलूक कर रहा था उसकी भी उन्हें जलन थी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से फरमाया कि वो दोबारा हिजरत हबशा हिजरत कर जाए। चुनांचे अब की बार 82 या 83 मर्द और 18 औरतों ने हिजरत की, और जाहिर है कि हिजरत पहली हिजरत से ज़्यादा पुरमशक्क़त थी, क्योंकि कुरैश चौकन्ना थे और मुसलमानों की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन मुसलमान उनसे कहीं ज़्यादा चौकन्ना, बाहिकमत और ठोस कदम साबित हुए, और उनकी सारी धरपकड़ के बावजूद वो हबशा निकल गए। कुरैश पर ये बात बहुत सख्त गुजरी कि मुसलमान उनसे छूटकर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उनकी जान और ईमान को कोई ख़तरा नहीं। चुनांचे उनकी वापसी के लिए कुरैश ने अपने दो होशियार आदमियों यानी अम्र बिन आस और अम्र बिन रबिया को हबशा भेजा। ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे। उन्होंने हबशा पहुंचकर एक सोचे समझे मंसूबा के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकात की, उन्हें तोहफा तहाय पेश करके मुदल्लल और मौसिर अंदाज में अपनी आमद का मकसद बताया। उन सब ने हामी भर ली। उसके बाद नजाशी के पास आए और उसे भी तोहफे तहाय पेश किए। फिर असल कारण जुबान से बताया और कहा कि बादशाह सलामत, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं, उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है जिसे न हम जानते हैं न आप। इसलिए हमें आपकी खिदमत में उनकी कौम के अशराफ और बड़े लोगों ने यानी उनके वालदेन, चचाओं और कबीले के लोगों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर सबसे ऊंची निगाह रखते हैं और उनकी खामी और ख़राबी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब उनकी ये बात पूरी हो गई तो पादरियों ने भी अपने प्लान के मुताबिक उनकी तायद कर दी, हामी भर दी, लेकिन नजाशी ने एहतियात बरती और सोचा कि दोनों फरीक की बात सुननी चाहिए, तभी हक बात खुल के सामने आ सकती है। चुनांचे उसने मुसलमानों को बुलाया और पूछा कि ये क्या दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम से अलग हो गए हो, लेकिन ना मेरे दीन में दाखिल हुए और ना उन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो।
और न इन मिलतों ही में से किसी के दिन में दाखिल हुए। उसके जवाब में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात की। उन्होंने कहा, बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे, हमारा ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा, हम उनकी आली नसबी, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को जानते थे। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया कि हम उसे एक माने और उसी की इबादत करें। उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें सच बोलने अमानतदारी उसने हमें यानी उस पैगंबर ने उसने हमें सच बोलने अमानतदार अमानत अदा करने कराबत जोड़ने पड़ोसी से अच्छा सलूक करने हरामकारी और खूनरेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और बेहयाई के कामों से झूठ बोलने से यतीम का माल खाने से और पाकदामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। उसने हमें नमाज और ज़कात और रोज़े का हुक्म दिया। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के और बहुत से अहकाम भी गिनवाए। फिर कहा कि हमने उस पैगम्बर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए, उसकी पैरवी की, उसके लाए हुए दीन इलाही में उसका इत्तबा किया। चुनांचे हमने सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जो चीज़ें उसने हराम बताई उन्हें हराम माना, जो चीज़ें हलाल बताई उन्हें हलाल माना। उस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई, उसने हम पे जुल्म व सितम किया, हमें दीन से फेरने के लिए फितनों और सज़ाओं से दोचार किया, हमें दीन से फेरने के लिए फितनों और सज़ाओं से दोचार किया ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ लौट पलट पड़े। बुत अल्लाह की इबादत छोड़ के हम बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर व जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी, हमारे और हमारे दीन के दरमियान रोक बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और आपको दूसरों पे तरजीह दिया और आपकी पनाह में रहना पसंद किया और ये उम्मीद की कि ऐ बादशाह आपके पास हम पे जुल्म न किया जाएगा। नजाशी ने यह बात सुनी तो हज़रत जाफर से कुछ कुरान पढ़ने की फरमाइश की। उन्होंने कैफ यईन साद यानी सूरह मरियम की इब्तदाई आयतें पढ़ के सुनाई। इस पे निजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई और तमाम पादरी भी इस कदर रोए कि उसके सहीफे तर हो गए। फिर निजाशी ने ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे दोनों एक ताक शमा से निकले हुए हैं। निजाशी ने कहा कि ये दोनों जो है एक ही जगह से आए हैं। उसके बाद कुरैश के दोनों नुमाइंदों को मुखातब करके कहा, तुम लोग चले जाओ, अल्लाह मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और न उनके खिलाफ कोई चाल चल सकता हूँ और उनके खिलाफ कोई चाल नहीं चली जा सकती, कोई चाल चली नहीं जा सकती। दूसरे दिन अम्र बिन आस ने एक ख़तरनाक तदबीर इख्तियार की। निजाशी से कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। उस पर निजाशी ने मुसलमानों को फिर बुलाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया। हज़रत जाफर ने कहा, हम उनके बारे में वही बात कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलिमा है जिसे अल्लाह ने कुंवारी पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। इस पर नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने कहा है उससे ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी ज़्यादा न थे। जाओ तुम लोग मेरे हुकूमत में अमन व अमान से रहो। जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा, जो
मुझे सोने का पहाड़ भी मिले तो भी गवारा नहीं कि तुम में से किसी को सताऊं। उसके बाद हुक्म दिया कि कुरैश के नुमाइंदों को उनके तोहफे तहफ वापस कर दिए जाएं। चुनांचे ये दोनों साहिबान मुंह लटकाए मक्का वापस लौटे और मुसलमानों ने अच्छे दियार में अच्छे हमसाये के साथ क़याम किया। तो आज हम इसी पे हिजरत के वाक़े पे और हज़रत नजाशी और जाफ़र और हिजरत करने वाले सहाबा का जो वाक़या आपने सुना, इसी पे हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली बातें अगले सबक में पेश की जाएंगी। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।